जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बचाने के इस फोरम के आयोजक हैं, मैं आप सबको मेरे तरफ से और मेरे पार्टी CPIM की तरफ से धन्यवाद देती हूं और एकजुटता प्रकट करने के लिए हम लोग यहां आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विनोद जी यहां है, उदित राज जी है और भी मुझे लगता है बहुत सारे दल होंगे जो इस आपकी संघर्ष का समर्थन ज़रूर करेंगे। आज आपको शायद पता होगा कि कर्नाटका में दो गर्ल स्टूडेंट्स को अपने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम से रोका गया और जब पूछा गया वहां खड़े हुए टीचर से कि इनको क्यों रोक रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि हिजाब लगाए हुए हैं, पहने हुए हैं, इसलिए वो इम्तिहान नहीं कर सकते। हमारे देश में एक कानून है, हम लोग सब उस समय पार्लियामेंट में थे जब राइट टू एजुकेशन को यूनिवर्सल राइट के रूप में एक प्रयास किया गया। हालांकि हम जानते हैं कि वो कानून भी इनएडिक्वेट है, जिस रूप पे हम लोग चाह रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन आज अगर हम उस इनएडिक्वेट कानून को भी अगर हम देखें और अगर कर्नाटक के अनुभव से उसको जोड़ें तो इससे स्पष्ट है कि राइट टू एजुकेशन इस शर्त पर आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप संघ परिवार की एजेंडा के साथ जुड़ते हो और अगर उस एजेंडा के साथ आप नहीं जुड़ते हो तो पढ़ने का भी आपका अधिकार नहीं है। इस रूप में संस्कृति, इस रूप में भाषा, इस रूप में एक्सेस सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि भाषा के सवाल पर भी आज राइट टू एजुकेशन पर शर्तें लगाए जाएंगे। जो अमित शाह गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी ही एक भाषा है जिस पर आपको लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सीखना है। तो देश के जो तमाम अलग प्रदेश हैं उनका मातृभाषा आज स्वीकार नहीं है। तो NEP का या दिल्ली यूनिवर्सिटी फोरम जब यूनिवर्सिटी को बचाने की बात करती है तो निश्चित रूप पर ये जो संदर्भ है, ये जो संघ परिवार की एजेंडा, हिजाब, कपड़े, ड्रेस कोड, खाने पीने के सवाल, ये सब कुछ मिलाकर जो थोपा जा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट को भी निश्चित रूप पर हम लोग सब समझते हैं। लेकिन मैं आपके इस मंच से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक सरकार ने जो किया है वो दिल्ली की BJP की बुलडोजर जो चला है जहांगीरपुरी में उससे कोई कम नहीं। वहां बुलडोजर चला है गरीबों की, मुसलमानों की, सेलेक्टिव तरीके से झुग्गियों को, छोटे छोटे दुकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चला है। कर्नाटक में बुलडोजर चला है उनके कल्चरल एजेंडा को, संकीर्ण कल्चरल एजेंडा को लागू करने के लिए। और यहां पूरे एकेडेमिया में और एकेडेमिक्स में ये बुलडोजर चल रहा है ताकि जनतंत्र का जो एक बेस होता है एजुकेशन का वो समाप्त किया जाए। तो पब्लिक एजुकेशन के ऊपर आज ये बुलडोजर चल रहा है जो आप इस फोरम की मातहत और उसकी अंतर्गत उस बुलडोजर को आज आप रोकने के लिए खड़े हुए हैं और हम इस संघर्ष में आपके साथ हर फोरम में, हर जगह, हर सड़क पर, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। मैं पूरे एकेडमिक्स में या उसके जो एकेडमिक, उसके जो अलग अलग पहलू हैं हम सुने हैं और बहुत कुछ सीखे भी हैं और आपने जो पर्चा निकाला उससे भी हम सीखे हैं। लेकिन मैं उसके दूसरे पहलू कहना चाहती हूँ।
फर्स्ट पॉइंट ये है जो ऑलरेडी हमारे साथियों ने कहा कि बगैर बहस की, बगैर पार्लियामेंट की बहस की, बगैर कोई स्टेक होल्डर, वैसे स्टेक होल्डर शब्द ही एक ऐसे अजीब सा शब्द लगता है मुझे, लेकिन फिर भी जो प्रभावित जनता है, जो स्टूडेंट्स है, यहाँ मैंने देखा कोई यहाँ था एक पोस्टर कि स्टूडेंट्स के साथ बहस करके एजुकेशन पॉलिसी तैयार करो, तो बगैर किसी से बात किए पार्लियामेंट को बाईपास करके यूजीसी के मातहत एक पूरे देश का जो शिक्षा का ढांचा है उसको जो बदला जा रहा है, ये पहले बात ये है, केवल एजुकेशन पॉलिसी नहीं एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को बुलडोज किया जा रहा, कैसे हो सकता बगैर हमारी सहमति को, कैसे हो सकता कि बगैर पार्लियामेंट की सहमति के, इसका मतलब एक एक कदम वो आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि जिस यूजीसी को सामने रखकर सब कुछ करा रहे हैं, कल अगर ये एनएपी लागू होता वो यूजीसी भी गायब हो जाएगा, वो यूजीसी रहेगा नहीं। अब ये यूजीसी के चेयरमैन के दिमाग में है या नहीं है या क्या है ये हम नहीं कह सकते, इसकी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तीन उसके आधार हैं, सेंट्रलाइजेशन, सब कुछ केंद्रकरण करके, कंकरेंट किसमें है शिक्षा, अरे भैया तुम संविधान को नहीं मानते ये हम समझते हैं, तुमने संविधान की जगह, हमारे उदित भाई ने बिल्कुल सही कहा, तुमने हमेशा मनुस्मृति चाहा, ये भी हम जानते हैं, लेकिन संविधान में एजुकेशन इज कंकरेंट, लेकिन आप सब कुछ सेंट्रलाइज कर रहे हैं। एकेडेमिक्स में जाएंगे भी उनको कम्युनल पढ़ाई पढ़ाया जाएगा, और यही ये तीन मुद्दे हैं जिसके कारण हम विरोध करते हैं। कल जब हम जहांगीरपुरी में गए, कुछ हमें स्टूडेंट्स मिले, अभी वो 11वीं 12वीं क्लास के हैं, वो हमसे पूछ रहे थे अभी 12वीं पास करके हमें क्या फिर एग्जाम में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भर्ती करना है तुम्हें बैठना पड़ेगा। उसने कहा कि उसके लिए क्या अलग ट्यूटर्स मिलेंगे हमें, उसके लिए क्या अलग कोचिंग होगा हमारे लिए, क्या सरकार कोई कोचिंग सेंटर खुलेगा हमारे लिए, हम उसका क्या जवाब देते। और उनको जब पता चलेगा कि 3 साल नहीं 4 साल उनको पढ़ना पड़ेगा, ये गारंटी की बात है, कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई मेहनत करने वाला माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में नहीं भर्ती कर पाएगा। और लड़कियों के ऊपर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। अभी ये लोग कह रहे हैं हमने मैरिजेबल एज ऑफ लड़कियों को हमने 21 साल तक बढ़ा दिया, कि क्या मतलब है इन चीजों का। आज हमारे देश की चाइल्ड मैरिजेस आज भी इतने तेजी से बढ़ रहे चल रहे हैं, क्यों? आर्थिक कारणों से, पैसा नहीं है कि हम अपने लोगों को, बच्चों को पढ़ाए। और जहां तक लड़की का सवाल है, आज भी लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर इस लॉकडाउन में स्पष्ट पूरी दुनिया में सामने आ रहा है कि फीमेल एजुकेशन हैज टेकन द बिगेस्ट हिट। और क्या होगा जब आप 4 साल की एजुकेशनल डिग्री करेंगे, क्या होगा आपका 18-21 साल की शादी की, कहां जाएंगे ये लड़कियां जो अपनी जिंदगी के लिए सपना देखते हैं, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो गरीबों के ऊपर, विशेषकर जो रिजर्वेशन पॉलिसी की कुछ थोड़े बहुत इनएडिक्वेट बेनिफिशरीज हैं, आदिवासी बच्चों की, दलितों की, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, उनका क्या होगा इस एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए मेरे साथियों, आज
ये एंटी पुअर पुअर रिच प्राइवेटाइजेशन और कॉम्युनलाइजेशन के पक्ष में जो नीति है इसका हम लोग सब विरोध करते हैं। पिछले बार भी पार्लियामेंट में जब बजट पर डिस्कशन हुआ हमारे बहुत सारे साथियों ने इन मुद्दों को उठाया था। निश्चित रूप पर पार्लियामेंट में जो हमारे साथी हैं हम जिम्मेदारी समझते हैं कि वो सवाल को उठाए, लेकिन हम आज संसद पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें एक साथ मिलकर यूनिटी बनाकर सड़क को मजबूत करके अपनी आवाज उठाकर इस आरएसएस बीजेपी का इस एकेडमिक्स के ऊपर उनका बुलडोजर को एक साथ मिलकर हमें रोकना है। उस संघर्ष में हम लोग सब एक साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद।